अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल भट्टू, तो तुम वेखते पे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। मेरे किसान वीर भराओ, बहरिया मक्की का टाइम शुरू, तो साढ़े नाल किसान भाई मौजूद ने, मेरा कजन है जफर इकबाल भट्टू, तो उहदे नाल गलबात करने हैं। पिछली बार उन्हें किहड़ा बीज लगाया सी, किन्ना झाड़ निकलिया सी, तो हुण उह किहड़ा बीज लगाउण लगे ने, ताकि साढ़े जिन्हें भी मकई के काश्तकार किसान भाई है ने उन्होंने कुछ ना कुछ फायदा हासिल हो सके। आओ चलिए जफर भाई तू पूरी तफसील लीए। जी अस्सलाम वालेकुम जफर खान, की हाल ने? वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है? फिट फाट? ते की कर लिया लेजर ठली खड़े जे? बस करंट का तो थोड़ा इशू है। चलो ठीक हो गया, करंट का भी हो जाता इशू। तो पहले मैं दसो भी इतने हूँ जी आप जमीन लेजर करते पे, इतने केड़ी मकई लाई हुई सी? इतने बारिया मकई है। बारी हैगी सी? नहीं नहीं मौसमी। अच्छा मौसमी हैगी सी, बारी तो लगान लगे हैं। अच्छा मौसमी फाइनल तो बाद लगाई सी या वैसे ही पूरे टाइम थे? बारिया तो बाद मौसमी ला। अच्छा मतलब बारिया चुकी सी मकई ला ली, तो हुण फिर हट के आप मकई लाने लगे। मतलब तुसी दो फसलां लाईयां ने मकई दियां साल च? अच्छा ये जो केड़ी आप मौसमी लाई सी, वह केड़ा बीज लगाया सी? 8148 डिकालब का। काफ़ी दोस्त जड़े ने लोकल कंपनियां का ला लेंगे ने, तो उन्होंने झाड़ 50-60 मन निकलता है, तो थोड़ा झाड़ कितना निकलिया? इक्यानवे मन निकलिया मौसमी मक्की का। मतलब बीज जड़ा है उसका काफ़ी अमल दखल है। 8148 है ना, ये जिमें डिकालब का 63-17 है ना। जी जी। छली दरमियानी तो इक्को रंगी। अच्छा भी कोई निक्की वड्डी छली नहीं होनी, इक्को साइज होना है। फिर तुक्का जड़ा बिल्कुल बरीक होना है, दाना लंबा होना, दाना लंबा होना, फिर दाने का वजन होना है। अच्छा भी दुनिया नालों जिमें हम 30-40-40 है, हूँ उनकी छली तो उसी एडा है छल छल लंबा, तो लेकिन वजन नहीं होना, तुक्के का वजन ज्यादा, उसी दाने का वजन कम, दाने का कम हो गया। ठीक हो गया। तो दूसरे नंबर पर इनका रंग भी खूबसूरत है, गाहक भी इन पैंदा है। तो हूँ मैंने दसो, हूँ आ गया बारिया का टाइम, ये हूँ आप बारिया जमीन तैयार करते पे, कदों इनू लगाना है? बस एक एक दो दिन लगा लेनी है। इनका बेहतरीन टाइम की है मकई बारिया लाने का, जिद ज़्यादा झाड़ निकले? दसते जनवरी तो लै तेना 20 फरवरी 20 फरवरी तक एक महीने च लगा लीए। ठीक हो गया। इस पहले ला दे ना वो बगैर तो कोशिश करते हैं भी असं पहले ला लीए, गेतरी ला लीए, लेकिन उनके है भी उनके तो 20-25 दिन जर्मीनेट होने तो लगते हैं, फिर जी मकई निकलेगी वो बड़ी गेड़ गेड़ तो निकलेगी, मतलब बड़ी इन्हें पाले नाल हर चीज नाल ना कमजोर हो गए। कमजोर होते। ठीक हो गया। उन्होंने फिर अगे स्प्रे करद्या करद्या खादा देंद्या देंद्या, क्योंकि गर्मी इन चाहिए, गर्मी जिनी ज़्यादा पैसी ना ज़्यादा तो मुराद टेंपरेचर को 15 तो उत्ते उत्ते उसी तो एक पिड़ती जासी। अच्छा अगर यदू नरम है तो इन उमें निकलना नहीं, दिन नहीं दे पूरे आलवान तरह होंगे रहे सन, आलवान तरह दिन पूरे होंगे रहे सन। अगर आप 20 जनवरी तो बाद लाने हैं तो उल्ले तकरीबन कोई वो 2 हफ्तों बाद निकल पेंगे। 2 हफ्तों बाद, क्योंकि टेंपरेचर भी ऊपर उठ जाता है, टेंपरेचर भी कोरे दे भी असरात खत्म हो जाते। अच्छा इना देना वेखी है मक्की सिंगल खेली तो लगी हुई है 25-26 दिसंबर की काश्त है, तो वो एडी एडी निकली खड़ी है इतने बाबा नूर साहब को। अच्छा अपने गुआन, लेकिन उनका कलर जड़ा ना, हालांकि उन्हें थले DAP भी बोरी पाई है, तूते भी ला समझेरी गल, उस बावजूद उनका कलर नहीं ठीक, आ कोरा जड़ा पिया उन्हें बड़ा स्ट्रेस दिया। सही है। अच्छा हूँ मैंने दसो भी लोकल बीज आप लगाना है या कोई कंपनी का लगाना है? आप 50 मन झाड़ लेना है या 100 मन लेना है? ये बारे साढ़े किसान भाइयों को रहनुमाई दो। आप इंशाल्लाह 100+ ले, 100+ लवेंगे। पिछली बार कड़ा बारी लगाया सी बीज? 63-17 कि कंपनी का है? डिकालब। हूँ आप फैसला किया है? हूँ 63-17 ला सर इंशाल्लाह, तो नाल इंदा एक नवा आया 63-21। अच्छा 63-21 इसे कंपनी का है? इसे कंपनी का। तो गर्मी की जड़ी है ना बर्दाश्त, गर्मी की बर्दाश्त ज़्यादा करता है, तो वैसे भी कैपेसिटी भी ज़्यादा है भी इंदा जड़ा ना जड़ा 63-17 है ना इनकी तकरीबन 115-116 तक असी एवरेज लई गई है। अच्छा जो 63-21 है इन दिन 145-150 तक
ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਤਲਕ ਨਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਡੀ ਏ ਪੀ ਆਲਵਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ, ਦੂਜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਐੱਮ ਓ ਪੀ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਗ 10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐੱਸ ਓ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਯੂਰੀਆ ਲਾਉਣੇ, 4 ਯੂਰੀਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਏ, ਜੇ ਗੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ 5 ਯੂਰੀਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, 5 ਯੂਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ 22 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲੇਜ਼ਰ 'ਤੇ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ? 5 ਤੋਂ 6 ਲੀਟਰ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਰਿੰਗ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ? ਲੇਜ਼ਰ ਐਵੇਂ ਯਰੀ ਯਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਮੁੜ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਲੈਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੈਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਕਰਾਉਣੇ ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਿਰਾ ਦੰਦ ਦੜਦਾ ਵੀ ਉਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਰੰਬੜ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਦੀ ਨਾ ਟੋਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਣਾ ਲੋਡ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਕਿਧਰੇ ਸੱਟਦਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਉਚਾਉਂਦਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ ਅਡਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਘੰਟੇ, 350 ਘੰਟਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜ਼ਫਰ ਬਾਈ ਨੇ ਮਕਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।